गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, व्हाट आर द वेज टू डिनोट द कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर आवर एल्गोरिथम, और इस कैसे एक प्रोग्राम का एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की, यदि मैं बात करूँ किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को, तो कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि वो एल्गोरिथम रन करने के लिए कितना रनिंग टाइम लगेगा, उसका कितना प्रोसेसर का टाइम लगेगा, इन हाउ मच टाइम दिस द प्रोग्राम द एल्गोरिथम विल बी एग्जीक्यूटेड, रनिंग टाइम बताता है पहली चीज़। और दूसरी, क्या उसकी स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट है, कितना रैम का कितना स्पेस लेकर के वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दो बातें बताता है, एक तो रनिंग टाइम कितना लगेगा उस एल्गोरिथम का, उस प्रोग्राम का रनिंग टाइम, और दूसरा कितना स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट उस प्रोग्राम को रन होने के लिए कितना चाहिए, स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोग्राम दैट एल्गोरिथम। यदि हम लोग डिफाइन करें प्रॉपरली तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम एम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम एम, यदि एल्गोरिथम को एम से रिप्रेजेंट करें तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम एम इज गिवन बाई ए फंक्शन एफ एन, इज गिवन बाई फंक्शन एफ एन। यदि कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग एफ ऑफ एन से रिप्रेजेंट करें तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम एन एम इज गिवन बाय सम फंक्शन एफ एन दैट गिव्स द स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट एंड रनिंग टाइम ऑफ एनी प्रोग्राम एनी एल्गोरिथम। दिस एन इज द साइज ऑफ एलिमेंट्स, डेटा का साइज क्या है, दैट is denoted by this n, data size, input data size is this n. Its complexity of algorithm is given by some function fn that represent that gives the storage space requirement and running time of any algorithm in terms of input data size n. Clear है? तो ये complexity की definition है, और कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली रनिंग टाइम और स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट, इन दोनों चीज़ों की बात बताती है, इन दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें देती है। यदि मैं बात करूं कि इन दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रनिंग टाइम है। यदि इस स्टोरेज स्पेस और रनिंग टाइम के बीच हमें ट्रेड ऑफ सेट करना है कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रनिंग टाइम है। स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट, कितना रैम चाहिए, मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का हमारा वर्क है जिसमें स्टोरेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से एक तो स्टोरेज स्पेस की कॉस्टिंग धीरे धीरे कम हो, पहले ज़्यादा कॉस्ट में स्मॉल साइज़ की स्टोरेज मिलती थी, लेकिन आज की डेट में बड़े साइज़ की स्टोरेज कम कॉस्ट में भी मिल जाती है। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो ये हार्डवेयर्स हैं इनकी कॉस्टिंग कम हो गई है ना। अब दूसरी बात, उस वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यदि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम लोग ये कि एक बार रैम बढ़ा के रख लेंगे, है ना, वो तो परचेज करने से मिल जाएगा। लेकिन यदि हमारे प्रोग्राम की रनिंग टाइम गड़बड़ हो रही है तो रनिंग टाइम को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइम बहुत क्रिटिकल है, माइक्रो और मिली सेकेंड में भी हमारे एल्गोरिथम की रनिंग टाइम ज़्यादा आती है तो उससे बहुत बड़ा डिसास्टर आ सकता है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, रनिंग टाइम के ऊपर होना चाहिए। स्टोरेज को तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में बढ़ा सकते हैं जिससे हमारी स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके प्रोग्राम का। तो वी शुड मोस्टली फोकस ऑन द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, और हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसका रनिंग टाइम कम से कम आए। क्लियर है? तो अब बात करते हैं, यदि हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने की, इसे हम लोग बोलते हैं नोशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अभी मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ इसे नोशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, नोटेशन फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी, या एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी बोलते हैं, ASYMPTOTIC
asymptotic notation for complexity को represent करने के लिए क्या asymptotic notations दिए गए हैं, इसके बारे में यदि हम बात करें तो asymptotic notations तो बहुत सारे हैं जो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ जो जानना है तीन तरह के का asymptotic notation जानना है। एक होता है big O notation, इसे बोलते हैं बिग ओ, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ के थ्रू। दूसरा होता है थीटा नोटेशन, या बिग ओ के बाद मैं बात करता हूँ थीटा नोटेशन, जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है ओमेगा नोटेशन, ये तीन तरीके से ओमेगा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा नोटेशन। तो जो बेसिकली जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो अभी आपको पढ़ना है ये तीन तरीके की हैं, बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन। ये तीन नोटेशंस क्या हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले बात करते हैं बिग ओ नोटेशन, जो ये बच्चे जो बिग ओ नोटेशन है इसे हम लोग और बड़ा बनाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही बताता है, हम लोग कहते हैं कुछ यदि बुरा हो जाए, याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, कि यदि कुछ बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं हो बिग, तो ओ बहुत बुरा हो गया, मीन्स बहुत बुरी रनिंग टाइम, सबसे बेकार रनिंग टाइम, इसी भी हम लोग इसको बोलते हैं वर्स्ट केस एनालिसिस। वर्स्ट केस एनालिसिस क्या करता है, ये आपके एल्गोरिथम का सबसे वर्स्ट बिहेवियर शो करता है और ये बताता है कि मैक्सिमम रनिंग टाइम क्या होगी, एक अपर बाउंड बता देता है कि इस एल्गोरिथम की रनिंग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी, इससे ऊपर रनिंग टाइम नहीं होगी। एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड बताता है ये कि एक एल्गोरिथम की बुरी से बुरी रनिंग टाइम मीन्स मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग टाइम क्या आएगी, ये हम लोग बिग ओ नोटेशन के थ्रू बताते हैं। दूसरा जो नोटेशन होता है इसे थीटा नोटेशन, जैसा कि उसके आपको नाम से ही पता चल रहा है, देखिए याद करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ देखिए इसमें हमने इस ओवर गोले में बिल्कुल मिडिल में ऐसे किया है, हाफ हाफ है ना, तो ये क्या कर रहा है आधा आधा बांट रहा है, बिल्कुल एवरेज इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कहीं भी ये हो सकता है। तो इसलिए ये जो थीटा नोटेशन है याद करने के लिए ध्यान रखिएगा कि एवरेज बिहेवियर शो करता है, जिसमें एक एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड और एक एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड ये एल्गोरिथम ये नोटेशन रिप्रेजेंट कर देता है, और आपके एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इस अपर एंड लोअर के बीच में ही कहीं ना कहीं एवरेज पड़ता है, इसलिए थीटा नोटेशन से हम लोग एवरेज बिहेवियर, एवरेज केस एनालिसिस भी थीटा नोटेशन को बोलते हैं। और जो थर्ड होता है उसे ओमेगा नोटेशन, ओमेगा जैसे देख रहे हैं आप लोग, यदि ओमेगा को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो देखिए बिल्कुल फ्लोर पे नीचे, बिल्कुल सबसे नीचे है ये जो टच हो रहा है ओमेगा वाला, बिल्कुल इस पे टच हो रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल लोअर, सबसे लोअर पे, मीन्स आपको याद करने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये इसे ओमेगा नोटेशन बिल्कुल कम वाला रनिंग टाइम देता है, कम रनिंग टाइम होने का मतलब एल्गोरिथम की बेस्ट बिहेवियर को एनालाइज करता है। तो बिग ओ ये वर्स्ट बिहेवियर मीन्स मैक्सिमम रनिंग टाइम, बुरा से बुरा रनिंग टाइम, ओमेगा आपके एल्गोरिथम का बेस्ट बिहेवियर कम से कम एकदम लोअर वाला रनिंग टाइम को बताता है, इसमें हम लोग एक एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड ये बता देता है कि आपके एल्गोरिथम का कम से कम रनिंग टाइम ये आएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता है, बेस्ट से बेस्ट बिहेवियर ये हो सकता है, ये ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थीटा नोटेशन वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच में एवरेज बिहेवियर को शो करने के लिए हम लोग थीटा नोटेशन का यूज करते हैं।
यदि थीटा के से कम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट की गई है, इसका मतलब बताया गया कि आपके एल्गोरिथम एवरेज केस में क्या रनिंग टाइम हो सकती है। वी गो से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब यह बताया जाता है कि आपके एल्गोरिथम का वर्स्ट बिहेवियर क्या होगा। और ओमेगा से यदि रिप्रेजेंट किया गया है कम्प्लेक्सिटी को, ये बताता है कि आपके एल्गोरिथम का बेस्ट बिहेवियर क्या होगा। तो वन बाई वन इनको हम लोग स्टडी करते हैं। यदि हम लोग वी गो नोटेशन को, जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये नोटेशन आपके एल्गोरिथम के वर्स्ट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, और ये यदि आपका, मान लीजिए इसको यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, यदि आपका ये ग्राफ है जिसमें कि एक फंक्शन fn है, मान लीजिए एक फंक्शन fn है, ये fn फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ n फंक्शन है। यदि आपके फंक्शन के बिहेवियर कोई ग्राफ के थ्रू ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किए कर सकते हैं हम लोग ग्राफिकली। यदि ये ग्राफ है एसिम्प्टोटिक, का मतलब होता है इनफाइनाइट तक चलने वाला, एसिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है जो इन्फिनिटी तक ग्राफ जाए। तो यदि ये आपके प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम आया है उसको यदि इससे रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ एन से, तो बिग ओ नोटेशन एक एसिम्प्टोटिकली अपर बाउंड, बिग ओ नोटेशन क्या करता है, एक एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड बताता है। और इसको यदि मैं सी वन जी एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यदि एक हमने क्या किया कि ये एक नीटा जीरो है। अब देखिए इसमें हमने क्या रिप्रेजेंट किया, ये बिग ओ नोटेशन को रिप्रेजेंट किया है जिसमें एफ एन आपका फंक्शन है और सी वन जी एन एक वो फंक्शन है जो मैक्सिमम रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इससे ज़्यादा इस फंक्शन एफ एन की रनिंग टाइम सी वन जी एन से ज़्यादा नहीं होगी, इसके नीचे नीचे ही होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगी तो सी वन जी एन तक जाएगी। तो ये एफ एन का अपर बाउंड बता रहा है, मीन्स बिग ओ नोटेशन इसको ग्राफिकली, जब देखिए एसिम्प्टोटिकली कभी भी ये दोनों मिलते हुए नहीं नजर आने चाहिए कि आगे चल के मिल जाएंगे, ये एसिम्प्टोटिकली पैरेलल चल रहे हैं बिल्कुल, क्लियर है ना। तो ये एसिम्प्टोटिक बिग ओ नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर देयर इज ए देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी वन एंड फंक्शन जी एन दैट रिप्रेजेंट द एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड फॉर दिस फंक्शन एफ एन, ठीक है ना। एंड दिस हैपन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीरो, इस नीटा जीरो इस पॉइंट के बाद, इससे पहले तो देखो कई बार क्रॉस कर रहे हैं लेकिन इस पॉइंट के बाद कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये अपर बाउंड का इसके बाद की बात हो रही है। ये फॉर ऑल एन, फॉर इसको यदि मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जो एफ एन है, एफ ऑफ एन शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू सी वन जी एन और एफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। इसको फॉर, अब इसको बोलेंगे हम लोग इस तरीके से, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी वन एंड एन, सी वन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी वन एंड एन वेयर दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस मैथमेटिकल फंक्शन सेटिस्फाइड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीरो। जैसी एन की वैल्यू नीटा जीरो से ऊपर हो जाती है तब इन दोनों केस को सेटिस्फाई, तो ऐसे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम लोग ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थ्योरेटिकली बात करें तो बिग ओ नोटेशन आपके एल्गोरिथम के वर्स्ट बिहेवियर को शो करता है, मैक्सिमम रनिंग टाइम को शो करता है, जिसमें एक एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड अपर लिमिट को बताता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आपके एल्गोरिथम का बिहेवियर बुरे से बुरा ये हो सकता है, इसके ज़्यादा इससे बुरा इसका रनिंग टाइम नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नोटेशन की, जिसे हम लोग बोलते हैं थीटा नोटेशन। जो सेकेंड है दैट इज थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन इसे हम लोग, इसका यूज हम लोग
एवरेज केस एनालिसिस के लिए करते हैं, एवरेज केस एनालिसिस। और इसको इस ये आपके एल्गोरिथम के एवरेज बिहेवियर को शो करता है, जो एक एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड और एक एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड आपके लिए, आपके एल्गोरिथम के लिए बता देता है कि आपके एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है इस अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में ही कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो इससे ये एवरेज बिहेवियर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये यदि आपके प्रोग्राम का, ये आपके प्रोग्राम का ग्राफ है जो जिससे हम लोग एफ ऑफ एन बोल रहे हैं। और तो एक देयर एग्जिस्ट ए एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड फॉर दिस एल्गोरिथम एंड देयर एग्जिस्ट ए एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड फॉर दिस एल्गोरिथम। ये दिस वन इज सी वन जी एन एंड दिस वन इज सी टू जी एन। तो आपके एल्गोरिथम एफ एन का जो रनिंग टाइम है वो सी वन जी एन से ज़्यादा नहीं हो सकता, सी टू जी एन से कम नहीं हो सकता, इस इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं इस एफ एन का रनिंग टाइम होगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीनो जीरो। और इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सी वन जी एन और सी टू जी एन के बीच में ही आपके एल्गोरिथम का रनिंग टाइम आएगा। इसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीरो। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी वन सी टू एंड सी टू एंड एन फॉर दैट दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीरो। इससे हम लोग एफ एन की वैल्यू सी वन जी एन और सी टू जी एन के बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगी जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन नीटा जीरो हो जाएगा। तो जो इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है। जो थर्ड होता है दैट इज, और याद रखने के लिए याद रखिएगा, थीटा ऐसे बीच में कटता है तो ऊपर अपर और लोअर के बीच में कहीं ना कहीं आता है। बिग ओ बुरा हो गया तो बुरे से बुरा बिहेवियर वर्स्ट केस को बताता है। और ओमेगा जो लोअर पे टच करता है तो मिनिमम लोअर से लोअर रनिंग टाइम को, लोएस्ट रनिंग टाइम को बताता है, मीन्स बेस्ट केस बिहेवियर को शो करता है। जो नेक्स्ट है दैट इज ओमेगा नोटेशन क्या करता है, बेस्ट केस एनालिसिस प्रेजेंट करता है। बेस्ट केस एनालिसिस आपके एल्गोरिथम का बेस्ट बिहेवियर यदि शो करना है कि बेस्ट से बेस्ट क्या बिहेव करेगा, कम से कम रनिंग टाइम, मोस्ट इफिशियंट क्या बिहेवियर करेगा, वो शो करने के लिए हम लोग ओमेगा नोटेशन का रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं। और ये आपके एल्गोरिथम का एक एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड शो करता है जिस जो ये बताता है कि आपके एल्गोरिथम का रनिंग टाइम कम से कम ये होगा, इसके नीचे नहीं आएगा। इसको हम लोग यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ दिस वन इज आर एफ एन जो हमारे एल्गोरिथम के बिहेवियर को शो कर रहा है एंड देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सी टू जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीरो वेयर दिस फंक्शन एफ एन लाइज बिलो द सी टू जी एन ग्रेटर देन, इस बिहेवियर विल बी बिटवीन जीरो टू सी टू जी एन, सी टू जी एन से कम इसका रनिंग टाइम नहीं आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीरो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नीटा जीरो। इस तरीके से हम लोग आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तीन तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि यदि कोई प्रोग्राम है, कोई एल्गोरिथम है, तो उसको रनिंग टाइम उसकी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रनिंग टाइम को कैसे निकालते हैं रनिंग टाइम को। यदि मैं एक प्रोग्राम की बात करूँ, मान लीजिए मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन लिखा वर्ड मेन, इसके अंदर मैंने लिखा इंट
आई और जे, ठीक है। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया और एक वेरिएबल, चलिए फॉर, यहाँ मैंने लिखा एक वेरिएबल एन भी ले लेते हैं, प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ एंटर एन, और स्कैन एफ से ले लिया स्कैन एफ परसेंट डी एंड एन। अब इसके अंदर मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और फिर चलाया इसके अंदर फॉर लूप चलाया, फॉर जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन जे प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हेलो, और फिर ये फॉर लूप बंद कर दिया, फिर ये मेन फंक्शन बंद कर दिया। बच्चे देखते हैं इसका यदि रनिंग टाइम हमें निकालना है तो देखिए बच्चे इस पूरे प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो हमेशा मेन से शुरू होता है, तो यहाँ से रनिंग टाइम निकालेंगे, ये वाली लाइन कितने टाइम्स रन होगी, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। यदि ये इस वाली लाइन की बात करूँ तो ये वाली लाइन एक बार एग्जीक्यूट होगी, वन टाइम। ये वाली लाइन कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये भी वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। ये वाली लाइन कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, ये भी वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। बच्चे ये बताइए ये वाली लाइन कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगी, ये वाली लाइन देखने में तो वन से एन मीन्स एन बार कर रही है, लेकिन एक बार और चलेगी जब ये फॉल्स कंडीशन के लिए भी तो यहाँ आएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, चेक करेगा कि वो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एक बार फॉल्स के टाइम भी आएगा, मीन्स ये वाली लाइन एन प्लस वन टाइम चलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर वाली ये कितनी बार चलेगी, ये देखो ऊपर वाला, ये वाला तो एन प्लस वन बार चला, लेकिन इसके अंदर की चीजें एन बार चलेंगी, मतलब एन इन टू, और ये अंदर वाली चीजें एन प्लस वन बार, मीन्स ये पूरी चीज कितनी बार चल रही है, ये वाली एन इंटू एन प्लस वन बार, और इसके अंदर वाली चीज कितनी बार चलेगी, एन इंटू एन बार, ये वाली एन इंटू एन टाइम्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन एन प्लस वन बार चलेगी, वन टू एन, एन टाइम्स होगा, एक बार फॉल्स कंडीशन के लिए एन प्लस वन बार। अब उसके अंदर फॉर के अंदर फॉर है, तो ये वाला खुद तो एन प्लस वन बार चलेगा, लेकिन ये इस फॉर के अंदर है इसलिए एन टाइम्स रिपीट भी होगा, तो ये कितनी बार चला, एन इंटू एन प्लस वन बार चला। अब ये वाली जो लाइन है इस फॉर और इस फॉर के अंदर है, तो ये इस वाले के लिए एन टाइम्स और इस वाले के लिए एन टाइम, मीन्स ये एन इंटू एन टाइम्स चलेगी। मीन्स यदि मैं बात करूँ टोटल कॉम्प्लेक्सिटी की, यदि कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये प्रोग्राम, यदि मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो ये प्रोग्राम कितनी बार, इसका रनिंग टाइम की ही बात कर रहा हूँ, यदि टाइम नंबर ऑफ टाइम्स एक साइकिल में एक बार एग्जीक्यूट हो गया, टाइम यूनिट में बात कर रहा हूँ, टाइम यूनिट जो कुछ भी होता है उस माइक्रो प्रोसेसर का, तो वन टाइम यूनिट लग रहा है इसका, वन टाइम यूनिट इसका, वन टाइम यूनिट ऐसे चल रहा है, तो मीन्स टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, वन प्लस वन प्लस वन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी, इसको जोड़ते हैं प्लस एन प्लस वन प्लस, अब इसको जोड़ते हैं एन इंटू एन प्लस वन प्लस, इसको जोड़ते हैं एन इंटू एन। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा, थ्री मीन्स फोर, वन टू थ्री, थ्री प्लस वन टू थ्री और वन फोर प्लस एन प्लस, ये वाला क्या आएगा, ये वाला एन इंटू एन प्लस वन का मतलब हो गया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस ये वाला एन स्क्वायर, ये तो टोटल क्या आ गया, फोर प्लस एन, फोर प्लस टू एन प्लस टू एन स्क्वायर, टू से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो आ गया एन मीन्स आ गया टू प्लस एन प्लस, या छोड़िए पूरा ऐसे ही लिख देता हूँ, यदि इसको ऐसे लिख दूँ टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फोर, मीन्स आपका जो एफ एन आया, जो फंक्शन आ गया एफ एन, एफ ऑफ एन,
ये आ गया एन स्क्वायर प्लस मीन्स टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फोर, ये आ गया ये फंक्शन आ गया। और इसको यदि जनरलाइज टर्म में एन स्क्वायर के टर्म में ही आ रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रनिंग टाइम एन स्क्वायर के टर्म में लगेगी, तो इसीलिए इसको हम लोग यदि रिप्रेजेंट करते हैं ई एन मीन्स रनिंग टाइम ऑफ दिस एफ एन इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के टर्म में मैक्सिमम वर्स्ट से वर्स्ट रनिंग टाइम इस एल्गोरिथम का इस प्रोग्राम का आएगा। बच्चे इस तरीके से हम लोग किसी प्रोग्राम की रनिंग टाइम निकाल करके देख सकते हैं, क्लियर है। यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग डेली एक तो जिस दिन वीडियो बनाता हूँ उस दिन ही देख लिया करें, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, बेल आइकन पर प्रेस किया करें और लाइक बटन भी प्रेस किया करिए। थैंक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।